हाँ जी ते जी, जो मेरे बच्चे हुए थे मैंने कहा गुड़िया को देऊंगी, शादी में कुछ नहीं दिया था उसको, वो सारा कुछ तहस नहस हो गया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण है जी। रब ने मेहनत से जोड़ जोड़ कर उसको पाई पाई जोड़ कर पेट काट कर उसका बनाया कि बेटी की जापी में कुछ दूंगी, मैंने कुछ भी नहीं दिया। एक काले सूट में भी था किया था मैंने, वो भी पुराना उसका डाला हुआ। मैं तो बेटा भी खो चुकी मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विधायक जी को कह के करवाएंगे ये काम। आप हांसी से आ रही है खबर, आपको बता दें कि जगदीश कॉलोनी में एक मकान में भयंकर आग लग चुकी है। और आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है, आग पर काबू पा लिया है। लेकिन आपको यह बता दें कि आग ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। आपको यही बता दें कि आग लगने की सूचना मिलते ही हांसी से नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव लड़ने जा रहे समाज सेवी प्रसिद्ध उद्योगपति मदन मोहन शेट्टी पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत की है, मकान स्वामी से मुलाकात की है, आश्वासन दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आ रही है जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक मकान में भयंकर आग लगी है, सब किमी जलकर राख हो चुका है। मैं तो बेटा भी खो चुकी मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विधायक जी को कह के करवाएंगे ये काम। आप रोना पड़ जाएगी, रोना बयाना साहब नु आके जो भी से होगा करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोलू। जिस समय हम खड़े हैं जगदीश कॉलोनी में, आपको दिखा दे कि एक मकान में आग लगी है। आग लगने से मकान में का सारा सामान जलकर राख हो गया है और छत भी जलकर नीचे गिर गई, यानी कि कड़ी की छत थी ये बिल्कुल नीचे गिर चुकी है। ये बड़ी अपडेट है और आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया, लेकिन इनके मकान के मालिक है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। कैसे लगी आग? पता नहीं जी, मैं तो मेरी बेटी के घर गई हुई थी, उसके लड़के का वो जब भी बुलाया था मुझे, मैं तो सुबह मुझे तो पता चला है कि ये नोट भी मैं लेकर उतार दूर रख के गई थी गुड़िया के। देखिए नोट भी पूरी तरह से जल गया, कितने के रुपये थे जी? 70-80 हजार लेकर रख के गई थी उतारे में तो गुड़िया के लिए, मेरा सारा कुछ नैस तैस हो गया, किसी की रजिस्ट्री भी रखी थी यहाँ, वो भी जलकर राख। नजारा देख सकते हैं किस प्रकार ये सब तुम्हें जल गया है, रजिस्ट्री वगैरह थी वो भी जल गई है, नोट दिखना, ये देखो ये सारे के सारे नोट भी जल गए हैं। ये पूरी मेहनत की कमाई थी, घर में रखे हुए थे 70-80 हजार के करीब रुपये थे, ये सभी जल चुके हैं। और मकान मालिक का इस समय जो तस्वीर देख सकते हैं, रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और भीतर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। इस समय भी ये जो कपड़े जल रहे हैं और छत ये पूरी तरह से जल चुकी है और ये बर्तन वगैरह दिखा रहे हैं आपको, सारा सामान नीचे दब चुका है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये अलमारी वगैरह सब कहीं जल चुकी है और सामान नीचे दब चुका है सारा तकरीबन। और ये हालात, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा गया। ये दिखा रहे हैं आपको, इसके अंदर जो भी चीज़ थी वो सब तुम्हें जल गई है, रजिस्ट्री वगैरह थे और भी सामान था, सब तुम्हें तहस नहस हो गया। आग भयंकर आग लगी थी, आग लगने के बाद ये नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरी तरह से जो भी घर में सामान था सब तुम्हें जल कर राख हो चुका है। सोने के आभूषण वगैरह थे जी? हाँ जी थे जी, जो मेरे बच्चे हुए थे मैंने कहा गुड़िया को देऊंगी, शादी में कुछ नहीं दिया था उसको, वो सारा कुछ तहस नहस हो गया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण है जी। रब ने मेहनत से जोड़ जोड़ कर उसको पाई पाई जोड़ कर पेट काट कर उसका बनाया कि बेटी की जापी में कुछ दूंगी, मैंने कुछ भी नहीं दिया। एक काले सूट में भी था किया था मैंने, वो भी पुराना उसका डाला हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन।